हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा। तो ये लीजिए आपके पकौड़ा, फिर से एक मजा। सेकंड वीडियो है हमारी, और सेकंड वीडियो हम कहाँ पे आए, यहाँ पे एक बड़ी सी फूड मार्केट है गाजियाबाद में। कौन सी मार्केट है वो आपको भैया जी आपको बताएंगे। अब इसी मार्केट में अपना बुकड़ापन फैलाने वाले हैं। यहाँ पर एक रोल दे रहे हैं, रोल का साइज मैंने देखा काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे डोसा बड़ा था, इसमें रोल भी काफ़ी बड़ा है। पवन, ये रहे हमारे कमल भाई। कमल भाई जी यहाँ पर खड़े हैं रोल की दुकान पर, रोल की शॉप पर, जहाँ पर हमारा रोल बनने वाला है। तो साइज आप देख लीजिए इस वाले रोल का, और जो हमारा रोल होने वाला है वो कितना बड़ा होगा ये आप देखोगे, और कौन कितनी जल्दी उसे रोल खत्म कर देगा ये आप देखोगे। हाथी रोल सर मोमो मार्केट का गाइज, ये क्रॉसिंग रिपब्लिक में आपको पड़ेगी अजनारा। एक सेकंड, एक आपको जगह पड़ जाएगी अजनारा में, शॉप नंबर 12 में। तो आइएगा क्रॉसिंग रिपब्लिक, एकदम गोल चक्कर के सामने की साइड पड़ जाता है अजनारा। तो बिगेस्ट रोल बोलोगे तो बना भी देंगे, हमने भी ऐसे बनवाया, एकदम तगड़ा। सबसे बड़ा गाइस गाजियाबाद का पूरा, इतना कम से कम ये मान लो इतना साइज तो होने वाला है। रोल का साइज आप देख रहे हो, ये तवा है, काफी बड़ा तवा है, काफी बड़ा रोल होने वाला हमारा। तो ये वाला सही बना है, ये वाला बड़ा, ये वाला सही बना है, ये बढ़िया बना है, अलीगढ़ दिल्ली में भी काफ़ी हैं, बड़े बड़े पराठे हैं, काफ़ी आए हैं थोड़ी कला अच्छी दिखाओ, इतना बड़ा पैसा मास्टर मास्टर को बुलाओ, कला दिखाओ भैया थोड़ी सी। ये हुई ना, अरे भाई साहब ये तो तगड़ा तगड़ा फैट हो जाएगा भाई, काफी तू तो था बिल्कुल इतना रहे। तो फ्रेंड साइज देख सकते हो, काफी बड़ा है भाई, ये देखो भैया को अपना बेलन निकालना पड़ा है घुमाने के लिए। अब और बाकी चीजों से बात नहीं बनती है। ये देखो भाई, थोड़ी बहुत देर में ये यही है गाइस, बुक्कड़ों की पहचान देखो। दस आइडिया सोचते हो, उसमें से दस बेकार जाते हैं। इसमें क्या डालेगा, ये मसाला डालो पनीर वाली, ऊपर से सिर्फ फिलिंग में डाल देना सारे, दोनों में डाल देना, दोनों में दो में डालेगा पूरा मसाला डाल देना जी भैया। भैया मोमोज होंगे? हाँ जी, सब हो जाएगा, फ्राइड स्टीम पनीर वेज सब। ठीक है देखो, आलम भैया और देखो। हाँ ठीक है, चटनी उटनी बाकी प्रॉपर जो डालते सब डालो, मसाला सब डालो, ऊपर से धनिया पत्ता, धनिया पत्ता सुपर एक सुपर धनिया पत्ता, अंदर देखो किचन में लेकर नीचे मटन 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 लो, हरी चटनी नींबू चाट मसाला, आज से मेन्यू चलो। ठीक है, हाँ फिर चिकन में स्टीम निकाल, सौ मोर प्लेट फ्राइड, हाँ फिर चिकन में फ्राई करें खाने में, एक स्टीम कर दो भैया, एक स्टीम फ्राई करें, फिर फुल स्टीम, और कुछ आएगा? हाँ अरे सर जल्दी करो, रिप्लेसमेंट कर जल्दी, मैं और भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। एक प्लेट चिकन रेडी है तो ठीक है, ध्यान से कितना बड़ा
भैया अभी इंची टेप ये हमारी स्टेपिंग पंजली वाला बनने वाला है और ये रोड की स्टेपिंग है जो रोड में जाने वाली ये जो आप देख रहे हो कितनी सारी है ये सारी स्टेपिंग हो थमाने वाला हूँ आज विनय भाई को, ये विनय भाई को थमाने वाले हैं, नहीं कमल भाई को थमा देते सबसे पहले हम, आज पुरस्कार दे रहा हूँ भाई, पुरस्कार दे रहा हूँ मैं अभी चैलेंज से पहले तो फ्रेंड्स कमल भाई और विनय भाई रजाना है अभी आ रहा है सही है यार हो जाएगा जाइए कट कर लिए रुबन ये रहा हमारा बड़ा रोल आप देख रहे हो कितना बड़ा डेढ़ फुट का एक है सच में बड़ा एक है डेढ़ फुट का एक रोल है काफी बड़ा है ना बैक फैन भी लगे हुए हैं भैया भाई तो पानी भी नहीं पी रहा खींचे जा रहे खींचे जा रहे ओ कमल और आपको क्या हो गया तो मुझे लगता है ये चैलेंज ज्यादा देर नहीं चलने वाला भाई तो विनय भाई ने तो बिल्कुल तेल का आलम भाई का रोल छोटा पड़ गया विनय भाई के लिए विनय भाई ने 30 सेकंड में आधे से ज्यादा रोल खत्म कर चुका है पूरा विनय भाई ने तो चावल जैसा साफ कर दिया है रोल का अब भी विनय भाई लगे हुए खींचने लगे कमल भाई को कमल भाई तो मैट्रिक्स तो नहीं बनी हुई है इस टाइम पे बाकी विनय भाई बने हुए जैसे वो है वैसे पर रोल काफ़ी हैवी है ये तो है विनय भाई का रोल भी बड़ा था चैलेंज धड़ाके का चल रहा है तब भी विनय भाई अपने बड़े को बड़े रोल को दोनों से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं अब चावल बने ये तो विनय भाई की स्टाइल है भाई काफी फास्ट है तो मैं तो नहीं दिया भाई बाकी जो सबसे बड़ा रोल था अभी भी चल रहा है इसमें कोई जीत हार मेरे से तो जीत हार नहीं थी भाई का बराबर का कॉम्पिटिशन था क्योंकि मेरा बहुत छोटा रोल था वो तो बस मैं ऐसे ही शुरू हो गया था मेन तो विनर अभी दोनों में से चल रहा है मैं तो बात माने बस कमल भाई और लास्ट में तो लास्ट में आ रहे विनय भाई और विनय भाई ने किसने खाया देखा है तो सबसे ज्यादा बड़ा विनय भाई का था विनय भाई किसका था विनय विनय भाई का सबसे ज्यादा बड़ा था मेरा तो छोटा सा रोल था सबसे बड़ा किसका था विनय भाई का विनय भाई का और फ्रेंड विनय भाई ने भी लगभग कमल भाई के साथ खत्म किया है बाकी भैया का सबसे छोटा छोटा था मतलब वही था जिस हिसाब से बने थे उस हिसाब से छोटा सबसे जल्दी जीता सबसे बड़ा सबसे बड़ा टाइमिंग वही रही है लेकिन फ्रेंड एक रोल जो सबसे बड़ा वाला था उसको खत्म करने का टाइम था 3 मिनट 3 मिनट के अंदर वो सबसे बड़ा वाला लमसम 3 मिनट में खत्म हो गया बट गाइस कोई कोई कंपैरिजन तो नहीं है क्योंकि बुक्कड़ बुक्कड़ के साथ करने को मिल गया चैलेंज वही मेरे लिए बहुत है गाइस इतने बड़े वाले दुलंदर बुक्कड़ हमारे साथ में कितना हैवी रोल था बताओ ज्यादा हैवी था मैंने वो पानी नहीं पिया था अभी और एक और खा सकते हैं सही मुझे पक्का गारंटी एक और खा सकते हैं हैवी कौन सी था हैवी नहीं लगा मुझे हैवी नहीं लगा भाई कमल और खा लोगे तो फिर अभी और खाने के लिए तैयार है लेकिन बस बहुत है काफ़ी है भैया जी भी थक चुके हैं इतना बड़ा बना के
तो अब मुंह पहुंचो, अब फ्रेंड मुंह पहुंचो, घर पे पहुंचो, पेट भर गया। और बाकी ये टेस्ट कैसा रहा उनका? अच्छा एकदम, मेरे टेस्ट आता ही नहीं। मेरे को तो टेस्ट आता नहीं है, भैया जी ने टेस्ट लेके खाया क्या? मैंने टेस्ट लेके खाया, मैंने आराम आराम से खाया था। लास्ट में मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा लास्ट में ऐसी नाम के लिए चैलेंज सा कर लूं, बाद में हार्ड ना तो मुझे इतना पकता था, बराबर का रोल होता तो मैं पक्का हार जाता। और बाकी भैया का रोल भैया ने दिखा दिया कि बड़ा रोल बना सकते हैं, डेढ़ फुट का एक रोल था, डेढ़ फुट कितना बड़ा होगा ये जान सकते हो। और भैया ही बनाने की स्टाइल काफ़ी मज़ेदार, और ने अपने बड़े तवे का असर दिखाई दिया बड़ा रोल बना के, और टेस्ट एकदम मज़ेदार था भैया ने बता दिया। तो फ्रेंड आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा आज के चैलेंज को देख कर, फ्रेंड मुझे तो देख के मज़ा आ गया। विनय का सबसे बड़ा था, जिस हिसाब से बना था उसी हिसाब से खत्म हो गया, तो काफ़ी मज़ा आ गया। तो भाई चलिए बारी आ चुकी घर पर निकलने की, काफ़ी टाइम हो गया, अब मैंने भी खा लिया है, मोहब्बत भाई ने भी खा लिया है, और इनने भी खा लिया है। तो भाई चलिए मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग मज़ेदार चैलेंज में अगली बार, तो आज के लिए।